हेलो 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 एवरीवन नमस्कार दुआ सलाम सत वन सेकेंड मैं आप तमाम लोगों के बीच एक काफ़ी सीरियस मुद्दा पर हाजिर हूँ आप किसी तरह की जोक या शायरी पे नहीं हूँ सीरियस मुद्दा है तो आप भी सीरियस हो जाइए नहीं सुनना चाहते हैं तो पहले यहाँ से दफा हो जाइए चलिए आज का मुद्दा यह है कि जो बच्चा पूरे साल भर अगर पढ़ाई नहीं किया है तो वो नीट में आने वाले जो सेवनटीन्थ जुलाई को पेपर है उसमें एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकता है देखिए अक्सर एक कहावत है ना कि मेहनत करे बैल घास खाए घोरा ये कहावत देसी में मेरे तब मैं भी भूल रहा हूँ ठीक है तो उसी तरह है देखिए मेहनत करने के लिए आपके पास एक साल था अगर उस एक साल में आपने कहीं मिस कर दिया है किसी कारण बस अगर मेहनत आप नहीं की हो तभी लास्ट चांस आपके पास है अपने स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करके आप एक बेहतरीन कर सकते हो और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला टाइम बगैर बर्बाद किए आते हैं कि स्मार्ट स्टडी क्या है तो देखिए अलग अलग टीचर के देखेंगे मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ओवर नाइट तीन एक सौ अस्सी में एक सौ अस्सी मार्क्स फिजिक्स में आपके आ जाएंगे नहीं यार मेहनत तो करनी पड़ती है ठीक है मैं ये विन कहूँगा कि एक और वीडियो देखे तो जुनून आ जाएगा जुनून भी खुद से लाने पड़ते हैं समझे कि नहीं? नहीं एक सेल्फ डिटर्मिनेशन अपने अंदर डेवलप करना होता है तो देखिए मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया है तो आप अपने पूरे टॉपिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दे आधा घंटा लगेगा वक्त दे दीजिए आधा घंटा इजी टफ और मीडियम टफ़ वाले में जाइए देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं मान लीजिए किसी का टफ है मॉडर्न फिजिक्स तो मैं नहीं कहूँगा छोड़ देना मैं कहूँगा कि ट्वेल्थ का सारे टॉपिक्स अगर वो टफ भी है तो भी उस क्वेश्चन को आप उस टॉपिक को करो अपने हेल्प से दोस्त के हेल्प से अपने टीचर के हेल्प से बट करो क्योंकि ट्वेल्थ के वेटेज एलेवन मतलब नीट के एग्जाम में ज़्यादा होते हैं एन एन एवरेज ट्वेंटी सिक्स टू ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन सिर्फ ट्वेल्थ से आते हैं नाइनटीन क्वेश्चन सिर्फ एलेवन से होता है जबकि ट्वेल्थ के टॉप बहुत सारे टॉपिक्स आसान हैं अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स का तो मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमी कंडक्टर को मिला लोगे तो एट क्वेश्चन सेवन टू एट क्वेश्चन आते हैं यानी कि इन तीन चैप्टर्स चार चैप्टर्स को कर लो जैसे एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल रेडिएशन सॉरी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर वेव अगर करके चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स तो चार चैप्टर से मिलके आठ क्वेश्चंस नीट में बहुत मान रखता है और एक क्वेश्चन चैप्टर्स कितने हैं तीन तीन लेक्चर दो दो लेक्चर ढंग से पढ़ो तो डेढ़ लेक्चर में खत्म हो जाते हैं और नुमेरिकल भी आसानी से लग जाते हैं फॉमुला बेस्ड न्यूमरिकल्स होते हैं तो ये हो गया अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आपको बोरे में भर भर के मार्क्स देते हैं मैग्नेटिज्म एक लौता टॉपिक्स जैसे करंट मैग्नेटिज्म में भी तीन चैप्टर्स आपके आए गए तो वहाँ से आप क्या जाते हैं अराउंड सात या नौ क्वेश्चनस करेंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो से देखोगे तो मेरे ख्याल से ग्यारह क्वेश्चन नौ से ग्यारह क्वेश्चन के बीच में पूछते हैं समझ पा रहे हैं ऑप्टिक्स थर्मोडाइनमिक्स ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक्स है जिसको भी अगर कर लो मैं बता रहा रूँ ना कि अगर आप इतना भी कर ले मॉडर्न फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स मतलब ट्वेल्थ में छोड़ ही नहीं रहा ना ट्वेल्थ सारा कर लो एलैंथ के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कर लो थर्मोडाइनमिक एस एच एम बेव इतना करने के बाद भी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो और कहावत है कि जब हम कम करेंगे तो हम टाइम ज़्यादा देंगे यानी कि हमारी इसमें क्यूरेसी ज़्यादा होगी तो गलत होने के चांसेस कम होगा तो किसने कहा कि हंड्रेड परसेंट आए तभी सिलेक्शन होगा जवाब है कि नहीं आपको 70 परसेंट आता है 80 परसेंट आता है अगर स्मार्ट स्टडी करके जाते हो तो आप उतने ही स्कोर कर सकते हो जितना कोई 100 परसेंट करके जाता है समझे कि नहीं तो एक स्ट्रैटी बनाइए और कुछ भी नहीं करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार, बार 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 सोल्व कर लो जेई मेन तक चले जाइए थोड़ा सा लेवल बिट रखे क्योंकि हम कर रहे हैं अगर एट्टी परसेंट टाइम ज़्यादा है टाइम ज़्यादा देंगे तो लेवल थोड़ा बढ़ा के रखेंगे कि अगर लेंदी भी आएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम देख तो देखिए मैं वही बता रहा था कि अगर कम क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा तो लेवल हाई रखेंगे कि क्वेश्चन अगर लेंदी भी आए इतमान से कूल माइंड से हम अगले पार्ट को बड़े प्यार से अटेंड कर सकते हैं बाकी सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही तो अगर एन एन एवरेज बायो में आप आउट ऑफ थ्री सिक्सटी थ्री हंड्रेड स्कोर मार्क कर मार्क्स स्कोर कर लो केमिस्ट्री में हंड्रेड स्कोर कर लो फिजिक्स में भी हंड्रेड मान के चलते हैं तो फाइव हंड्रेड तो हो गए हमारे और फिजिक्स में अगर हंड्रेड कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में जरूर है कि एक सौ बीस एक सौ तीस कर ही लोगे आप तो एन एन एवरेज अगर आप ठीक ठाक मार्क्स ले कर लास्ट लास्ट तक तो किसी न किसी कॉलेज में काउंसलिंग भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ध्यान रखिए अगर अच्छे से आप काउंसलिंग करते हैं तो कभी कभी कम मार्क्स में भी अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो काउंसलिंग करने का भी एक, एक स्पेशल तरीका होता है ऐसा नहीं गए कि नहीं साहब हमारे मार्क्स तो तीन है और हमें तो दिल्ली के एम्स चाहिए देखिए मैंने क्या बोला कि काउंसलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जैसे 300 हंड्रेड मार्क्स से आपको दिल्ली के एम चाहिए ऋषिकेश एम चाहिए आपको पटना एम चाहिए तो ये काउंसलिंग आप नहीं कर रही बेवकूफ़ी कर करेंगे आप तो इसके भी पे आपको जो कॉलेज मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा इसलिए काउंसलिंग भी प्रॉपर वे में किया जाता है तो फिलहाल इतना ही है नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो फिर बताऊँगा कि अपने प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कैसे किया जा सकता हो सके वीडियो आपको बोरिंग लगा हो तो कुछ नहीं कर सकते ये एक कंसेप्चुअल वर्ल्ड वीडियो है अगर आपको कैरियर की परी हुई है तो आप जरूर इसको देखें नहीं परी हुई है इग्नोर कर सकते हैं थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू